मंत्री प्रोफेसर रिंपा मेरे नाम जुदा गलबात कर लेने रिंपा साहब किवें चल रहा बजट सैशन चल रहा सरकार का पहला आम आदमी पार्टी का पूर्ण तौर से बजट है किवें चल रहा बहुत अच्छा बजट है फिलहाल और पहला बजट जो पेश किया साढ़े मुख्यमंत्री भगवंत मान जी योग्या अगवाई दे साढ़े वित्त मंत्री हरपाल चीमा साहब ने एक साल उपलब्धियां सीगियां पंजाब सरकार दियां जिस 27,000 नौजवानों नू नौकरी होर जिन्हें पंजाब नू 504 आम आदमी क्लीनिक तो लैके बहुत सारिया उपलब्धियां पंजाब दे विच जिहड़ियां सामने गवर्नर एड्रेसल दे विच आईयां सी वो तुहाडे सामने सी उस करके जिहड़ा दूजा बजट है वह 26% इनक्रीजिंग दे नाल जां 27% इनक्रीजिंग नाल सामने आया आने वाला साल भी पंजाब के लोगों ने बहुत बेहतर होएगा। सवाल यह कि 26% बजट वधा दिता गया एक रिकॉर्ड भी आप कहेंगे इसको यह किवें वधाया गया किवें संभव किवें होया कि बजट 26% वध गया। देखो सरकार ने बड़ी ईमानदारी टैक्स कलैक्शन की है और लोगों की जरूरतों मद्देनजर रख के वह जरूरत ने किदा बजट डिस्ट्रीब्यूट करना वह सामने रखा सारिया चीज़ा करके जोड़ा है पंजाब च अगर अज लोगों का यकीन सरकारों के उत्ते वध्या भगवंत मान जी के मुख्यमंत्री काल तो बाद लोगों का यकीन जोड़ा पंजाब सरकार के उत्ते और खास तौर पर आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा वध्या। टैक्स तो कोई राहत नहीं दी गई हालांकि ना कोई नवा टैक्स लगाया गया तो औरतों भी काफ़ी उम्मीद सी 1,000 रुपये की पर इस बजट से देखने को नहीं मिले। देखो टैक्स पिछले साल भी कोई नहीं लाया इस साल भी कोई टैक्स नहीं आप लगाया क्यों सरकार एक कॉमन आदमी को लेकर भी अगर चल रही है सरकार ने अपने खर्चे बचाने की कोशिश की होगी सरकार ने उस पैसा ईमानदारी ने खर्च करके उस बजट के उपलब्धियां पिछले साल भी असं जो कढ़ के लिया तो सामने सरकार का कार्यक्रम जिद बहुत सारिया चीज़ा जित 600 यूनिट तक की माफ़ी जी है बिजली की असी दी वो एक गरंटी सी वो होर बहुत सारिया गरंटियां असं पूरी कीतिया जिद बहुत सारे टोल प्लाजा तक बंद किए गए असं देखते पे हैं सरकार ने बजाय उन्होंने एक्सटेंशन देने दे, मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने उन्होंने क्लोज कर अनुमानित बजट उस वास्ते कोई कर्जा तो नहीं लिया जाऊगा क्योंकि सवाल वड्डा ही है कि पंजाब के सिर कर्जा ना चढ़े अनुमान तो सरकार ने लगा लिया मोटा मोटा कि इन्ना बजट है पर उस वास्ते कोई कर्जा तो नहीं चक्के जाना जिहड़ा तकरीबन 3-3.5 लाख करोड़ का कर्जा सरकार छड़ के गई उन्हां दीआं किश्तां की वापसी उन्हां दे व्याज की वापसी एक मुद्दा हुंदा तो सरकार अपने बजट च रह के उहदा खर्चा कर रही है सो अगर 3-3.5 लाख करोड़ का कर्जा साढ़े तो छड़ के गए है अगर वो अदायगी करन लई और उहदा ब्याज देन लई वो कित्थों आंदा ये एक सोचण दा मुद्दा हुंदा लेकिन सरकार ने बहुत अच्छे तरह ना कंट्रोल किया है और अपने हरपाल चीमा साहब ने दस्या कि असी उहदे विच बहुत सारा जिहड़ा पुराना पैसा हैगा उहदे विच मोड़िया भी है। आखिरी सवाल मेरा प्रोफेसर अरविंद फेसबुक से लाइव होंगे है सीधे तौर पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर देंगे सरकार को बेनती भी करते हैं कि पंजाबी यूनिवर्सिटी डुब जूगी जेकर उसकी ग्रांट ना वधाएगी जेकर उसका बजट के एलोकेट से वाधा ना किया गया था। मैं उन्होंने नहीं सुनिया लाइव होंगे बट सरकार सारिया यूनिवर्सिटिया प्रतिबद्धता दिखाती है उन्होंने उसारी के लिए उन्होंने डिवेलपमेंट के लिए उन्होंने होर अच्छा करन दे लई तो डेफिनेटली अगर किसी लोड़ पेगी तो प्रबंध भी विशेष तौर पर सरकार करेगी कोई घबराने की लोड़ नहीं तो विशेष तौर पर प्रबंध भी किया जाऊगा जेकर किते लोड़ पैंदी है तो कहिंदे घबराने की लोड़ नहीं। कैमरा परसन प्रीतम सिंह के नाल आशीष नेजा लिबरल टीवी चंडीगढ़।